हाँ पे यहाँ पे हमारे जम्मू में सिर्फ एक ही चीज है, लेग पुलिंग। लेग पुलिंग और ग्रुपिज्म, जो मैं यही चीज मैंने बिनी डिलन जी से पूछी थी, जो पंजाब के बेहतरीन सबसे बड़े कॉमेडियन है, उनसे मैंने ये सवाल किया कि पंजाब इंडस्ट्री ने इतनी जल्दी में ये चीज नहीं चलती। मैं वही कह रहा हूँ, मैं उन्होंने खुद मुझे कहा, मैंने उनसे सवाल किया कि पंजाब इंडस्ट्री इतनी जल्दी जो है वो बुलंदियों तक कैसे पहुंची। उन्होंने बताया कि हम लेग पुलिंग नहीं करते, हम एक दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, इसलिए जो है वो पंजाब इंडस्ट्री ने वो करके दिखा दिया जो बॉलीवुड भी नहीं कर पा रहा। अगर कोई डायरेक्टर बोलेगा इसको नहीं लेना, उसको लेना, इससे मेरी बनती नहीं है, कोई प्रोड्यूसर बोलेगा वो प्रोड्यूस कर रहा है, मैं उसके साथ ही बनती, मैं उसको नहीं लूंगा, एक डायरेक्टर की दूसरे डायरेक्टर से नहीं बनती, एक प्रोड्यूसर की दूसरे प्रोड्यूसर से नहीं बनती, किसी मीडिया पार्टनर की मीडिया पार्टनर से नहीं बनती है, अगर नहीं जी मैं इसका इंटरव्यू नहीं लूंगा क्योंकि ये उसके साथ बनती है। इसी चीज में हमारा जम्मू पीछे है निकलता है। तो ख्वाहिश को आप सबने प्यार दिया तभी वो निकली है आगे। तो ख्वाहिश ने अगर ये पिक्चर लाई है, प्रोड्यूस मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, तो ख्वाहिश ने कोई मकसद के लिए नहीं लाई कि मुझे कोई प्रॉफिट हो गई है उसके लिए लाया, वो नहीं। इससे एक जो न्यू फ्रेशर्स है उनको चांस दी है, एक दूसरा एक मैसेज सोशल लाया कि क्या किसी के साथ क्या बीतती है उस समय, किसी के ऊपर क्या होता है, किसी के पेरेंट्स क्या सोचते हैं, वो चीज़ एक सोशल मैसेज है। तो इसको तो मैं यही बोलूंगी कि सारे प्यार दें तो अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉफिट या गेन की तो बात ही नहीं होती है। आपने दिया था दहेज? मेरी, मैं इतनी बड़ी चली गई थी, एक माँ बाप ने ना एक बेटी बचपन से मतलब बड़ी की होती है, तो जब दहेज की बात आ जाती है ना तो सबसे बड़ा दहेज उसकी बेटी ही होती है, बेटी से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं ना बेटी दो घर का वो होती है, चिराग होती है, तभी वो बनती है। मैं पहले बेटी थी, फिर एक किसी की पत्नी बनी, फिर माँ बनी, कभी दादी नानी, ऐसे ऐसे करके बनना है। तो हम ही सबसे बड़े दहेज है, जिनकी सोच ऐसी है ना वो कभी ना बहू को बेटी नहीं मान पाएंगे। जिस जिसने वर्क करना, जो जो इंटरेस्टेड है नेक्स्ट मूवी में वर्क करने के लिए, वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है। अगर मैं इंटरेस्टेड हूं तो मुझे मौका मिलेगा? हाँ, आपको जरूर मौका मिलेगा। आपको मैंने पहले भी बोला था, लेकिन वरुण सर आप थोड़े से बिजी थे इसलिए आप नहीं कर पाए, लेकिन हम नेक्स्ट मूवी में साथ में वर्क करेंगे। वरुण तभी बिजी है क्योंकि वरुण की शादी आने वाली है। अच्छा। हाँ, शादी की शॉपिंग चल रही है। नमस्कार द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ वरुण शर्मा। जिस देश में बच्चियों को देवी के समान पूजा जाता है, उसी देश में बच्चियों को दहेज के नाम पर मार दिया जाता है। दहेज प्रथा को लेकर जम्मू में एक मूवी जो है वो जल्द बनकर तैयार होने वाली है, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि दहेज जो है वो सबसे गंदी चीज़ है इस समाज में। अब इस दहेज प्रथा को किस तरह से दूर किया जाए, उसी से जुड़ी एक मूवी जो है वो कुप्रथा जल्द बनकर तैयार होने वाली है, और उसमें आपको लीड रोल में देखेंगी जम्मू की बेटी ख्वाहिश। ख्वाहिश से बातचीत करते हैं, उसे जानते हैं कि मूवी बनाने का मकसद क्या है। ख्वाहिश, पहले तो स्वागत करना चाहूँगा आपका। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपको और आपके चैनल का, जो आपने स्पेशल वक्त निकाल कर कवरेज के लिए बोला। ख्वाहिश, हम अक्सर कवर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि दहेज के नाम पर बच्चियों को मार दिया जाता है। आपने एक इनिशिएटिव लिया है, एक मूवी जो है वो शॉर्ट मूवी जो है वो जल्द बनकर तैयार होने वाली है, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे और क्या कुछ इस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी जो है वो हमें देना चाहोगे? क्या ये मूवी है और क्या मैसेज देने का प्रयास किया गया है इस मूवी के माध्यम से? सर, हम एक सोशल मैसेज लेकर आ रहे दहेज प्रथा पर, और उस मूवी का नाम है कुप्रथा, और इसको प्रोड्यूस किया है फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे मॉम डैड ने ही। अच्छा, उन्होंने मतलब ये प्रोडक्शन हाउस है। हाँ जी, ख्वाहिश गुप्ता प्रोडक्शन हाउस, और प्रोड्यूस किया है मेरे मॉम डैड ने। एक्चुअली मेरा एक सपना था मैं एक खुद का प्रोजेक्ट करूँ, और आपको पता है इस फील्ड में एक दूसरे को कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मेरा सपना था कि एक मैं खुद का प्रोजेक्ट करूँ और हमारे जम्मू के जो अपकमिंग स्टार्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, मैं उनको चांस दूँ। तो आप सबका प्यार रहा तो मैंने मूवी की अपनी मम्मा पापा ने प्रोड्यूस की और मैंने बाहर से लिखवाई। राइटर है हमारे मुंबई से वासिद खान जी, उन्होंने इतनी प्यारी स्क्रिप्ट लिख कर दी मुझे, और डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य सर हमारे जम्मू के, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर, और DOP विक्रेन जी का, और म्यूज़िक वजीर एक्स म्यूज़िक का, और हमारे जम्मू के बहुत ही फ्रेशर आर्टिस्ट भी इस मूवी में, और बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी है, जैसे राहुल खत्री जी, वो शम्मी सर जी, मीनाक्षी मैम, बड़े मतलब सीनियर आर्टिस्ट भी, और हमने फ्रेशर्स को भी चांस दिए। इस मूवी में 2-3 साल का बच्चा भी हमारा रोल प्ले कर रहा है, और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है, और मैं चाहती हूँ कि आप सबने ये मूवी को देखना है और अपना अपना प्यार देना है, क्योंकि ये सोशल मैसेज हम आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं, और ये मेरी मूवी नहीं है, ये जम्मू वालों के लिए एक मूवी लेकर आ रहे हैं हम। कुप्रथा आपने इस मूवी को टाइटल दिया, तो कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाएगी मूवी, शॉर्ट मूवी? सबका प्यार तो मेरे साथ है, इस स्टेज तक पहुंची तो सिर्फ आप सबकी ब्लेसिंग से
से पहुंची हूँ और मैं अपने प्रोजेक्ट्स और भी प्रोड्यूस करने लगी हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट मूवी का भी प्लान कर रही हूँ और मुझे फ्रेशर्स की नीड है। अगर कोई भी फ्रेशर इंटरेस्टेड है वर्क करने के लिए तो प्लीज़ मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, khwahish.gupta मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप सब मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, जिस जिसने वर्क करना है, जो जो इंटरेस्टेड है नेक्स्ट मूवी में वर्क करने के लिए वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे मौका मिलेगा? हाँ, आपको ज़रूर मौका मिलेगा। आपको मैंने पहले भी बोला था लेकिन वरुण सर आप थोड़े से बिजी थे इसलिए आप नहीं कर पाए, लेकिन हम नेक्स्ट मूवी में साथ में वर्क करेंगे। एक्चुअली वरुण तभी बिजी है क्योंकि वरुण की शादी आने वाली है। अच्छा। हाँ, शादी की शॉपिंग चल रही है। अच्छा ख्वाहिश, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। एक पंजाबी मूवी जो है वो रिलीज होने जा रही है, पंजाबी इंडस्ट्री जो है वो जम्मू में बड़े सारे लोग जो हैं वो उनको सपोर्ट करना, अच्छी बात है, चलो सपोर्ट करना चाहिए। वैसे पंजाबियों को सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि पंजाब जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। क्या आपकी मूवी को भी कोई सपोर्ट करने पहुंचा अभी तक? कोई आया कि जम्मू की बेटी अच्छी फिल्म बना रही है, कोई आया आपको तारीफ ही की होगी किसी ने की अभी तक तो सिर्फ आप सब भाइयों का प्यार है मेरे साथ। अभी तक तो सिर्फ मीडिया पार्टनर्स है जो उन्होंने ही सपोर्ट किया। सच बताऊं तो अभी तक तो हमें जो डोगरों के ठेकेदार बने हैं ना, कुछ 4-5 लोग हैं जो जिन्होंने डोगरी का ठेका ले रखा है, उनमें से कोई आया? नहीं, उनमें से अभी तक तो कोई भी नहीं आया। अफसोस होता है? नहीं, अभी हमारी मूवी आनी है तब देखो कौन कौन सपोर्ट करता है। उम्मीद है कोई आएगा। अब देखो इस तरह का एक ग्रैंड वेलकम किया गया पंजाबी कलाकारों का, आपको लगता है कि इस तरह की चीजें देखो अभी कोई करेगा? कोई देखो, ये एक पिक्चर ख्वाहिश की नहीं है, या वो ख्वाहिश की नहीं है पिक्चर, वो पिक्चर आप सबकी है। ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट लाता है ना, उस पर अगर पैसा लगाता है, वो उसकी पिक्चर नहीं बन जाती, वो सबकी होती है क्योंकि उसकी उम्मीदें होती है कि ये कोई देखे। ये तो एक सोशल मैसेज है जो हर एक के साथ बीतता है, मतलब एक सोशल मैसेज है, तो ये सोशल मैसेज सबको पसंद आएगा, तो आपको सारे प्यार भी देंगे। वेलकम की बात रही तो ये देखते हैं अब कौन कौन इस पिक्चर को प्यार करता है। आपने इस मूवी में पैसा लगाया है, आपने अपनी बेटी को लॉन्च कर रहे हैं इस मूवी में। पंजाब इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो वो करोड़ों रुपए का उनका बजट है, क्या लगता है कि उनको जम्मू में आके प्रमोशन की जरूरत है? होगी भी ही, चलो वो अपना पैसा लगा के, लेकिन जम्मू के कुछ लोग जो है वो ठेकेदार बनकर जो है वो कह रहे हैं कि आप पंजाबी मूवीज देखो। पंजाबी मूवीज तो हम देखते हैं लेकिन जो डोगरी मूवी कौन देखेगा, उसके लिए भी तो ऐसे लोग इनिशिएटिव ले ना। नहीं नहीं, सारे देखो जैसे पंजाब एक ना वो होता है मिलजुल के बांट के सब कुछ करना होता है। जहाँ पे यहाँ पे हमारे जम्मू में सिर्फ एक ही चीज़ है, लेग पुलिंग और ग्रुपिज्म। जो मैं यही चीज़ मैंने बिनी डिलन जी से पूछी थी, जो पंजाब के बेहतरीन सबसे बड़े कॉमेडियन है, उनसे मैंने ये सवाल किया कि पंजाब इंडस्ट्री ने इतनी जल्दी में ये चीज़ नहीं चलती। मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने खुद मुझे कहा, मैंने उनसे सवाल किया कि पंजाब इंडस्ट्री इतनी जल्दी जो है वो बुलंदी तक कैसे पहुंची। उन्होंने बताया कि हम लेग पुलिंग नहीं करते, हम एक दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, इसलिए जो है वो पंजाब इंडस्ट्री ने वो करके दिखा दिया जो बॉलीवुड भी नहीं कर पा रहा। अब मैं यही बोलती हूँ, ख्वाहिश तो अभी छोटी है, जो सीनियर्स हैं वो छोटों को सपोर्ट करें, जो इससे छोटे हैं ये उनको सपोर्ट करें, तभी हमारा जम्मू आगे ग्रो करेगा। अगर कोई बोलेगा यही ये है, अगर कोई डायरेक्टर बोलेगा इसको नहीं लेना उसको लेना, इससे मेरी बनती नहीं है, कोई प्रोड्यूसर बोलेगा वो प्रोड्यूस कर रहा है मैं उसके साथ ही बनती, मैं उसको नहीं लूँगा, एक डायरेक्टर की दूसरे डायरेक्टर से नहीं बनती, एक प्रोड्यूसर की दूसरे प्रोड्यूसर से नहीं बनती, किसी मीडिया पार्टनर की मीडिया पार्टनर से नहीं बनती है, अगर नहीं जी मैं इसका इंटरव्यू नहीं लूँगा क्योंकि ये उसके साथ बनती है। इसी चीज में हमारा जम्मू पीछे है। अगर आपकी आपस में नहीं बनती पर तीसरा आर्टिस्ट क्यों बीच में घुसता है? हम लोगों की बेवकूफी है हमारी। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं तो आपको भी बोलूंगी, आपको नहीं बोलूंगी स्पेशल, हर एक इंसान को बोलूंगी। देखो जो इंसान वर्क लाता है ना, एक आर्टिस्ट, उसकी उम्मीदें आप सब पे हैं, आप सब पे, आपकी जो आपस में गोलमोल है वो आप अपने तक रखें। जो एक आर्टिस्ट होता है वो आप पे डिपेंड होता है और पब्लिक पे डिपेंड होता है। अब उसको आप प्यार देते हो तो भी वो आगे निकलता है, तो ख्वाहिश को आप सबने प्यार दिया है तभी वो निकली आगे। तो ख्वाहिश ने अगर ये पिक्चर लाई है, प्रोड्यूस मैं और इस मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, तो ख्वाहिश ने कोई मकसद के लिए नहीं लाई कि मुझे कोई प्रॉफिट हो गई है उसके लिए लाया, वो नहीं। इसने एक जो न्यू फ्रेशर्स है उनको चांस दी है, एक दूसरा एक मैसेज सोशल लाया कि क्या किसी के साथ क्या बीतती है उस समय, किसी के ऊपर क्या होता है, किसी के पेरेंट्स क्या सोचते हैं, वो चीज़ एक सोशल मैसेज है। तो इसको तो मैं यही बोलूँगी कि सारे प्यार दे तो अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉफिट या गेन की तो बात ही नहीं होती है। बिल्कुल आपने सही कहा ख्वाहिश। चलते चलते जम्मू के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप इस मूवी से रिलेटेड? जो लोग दहेज मांगते हैं उनको, उनके खिलाफ क्या कहना चाहोगे आप? दहेज मैं बोलती हूँ, मैं तो मैरिड हूँ। आपने दिया था दहेज?
दहेज मेरी, मैं इतनी बड़ी चली गई थी, एक माँ बाप ने ना एक बेटी बचपन से मतलब बड़ी की होती है, तो जब दहेज की बात आ जाती है ना तो सबसे बड़ा दहेज उसकी बेटी ही होती है, बेटी से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं ना बेटी दो घर का वो होती है, चिराग होती है, तभी वो बनती है। मैं पहले बेटी थी, फिर एक किसी की पत्नी बनी, फिर माँ बनी, कभी दादी नानी, ऐसे ऐसे करके बनना है। तो हम ही सबसे बड़े दहेज हैं, जिनकी सोच ऐसी है ना वो कभी ना बहू को बेटी नहीं मान पाएंगे, वो बहू ही दिमाग में रहेगी। आपको लगता नहीं कि दहेज देने वाला भी उतना कसूरवार है जो दहेज मांगता है? आजकल ना हमारे ना दिखावा बड़ा है, दिखावा बड़ा है, सोशेबाजी बड़ी है। अगर आपने बेटी की शादी करनी है आप वो अच्छी तरह करिए, जो आपने दहेज देना है उससे अपने बेटी को कुछ मतलब वो सेविंग्स दे दें, गिफ्ट दे दें जो उसके काम आएंगी कल को, कोई वो अपना वर्क खोल सके। अगर कल को जैसे किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है उसको ऐसा दे दे कल को वो कुछ कर सके, अपने पाँव पे स्टैंड हो सके। और अगर दहेज ही देना है तो वो तो उनके घर ऑलरेडी पड़ा ही होगा ना, वो नंगे थोड़ी होंगे या कभी ना खाए थोड़ी होंगे। बस अब आप क्या मैसेज, आपकी मम्मी ने तो मैसेज दे दिया, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो दहेज के खिलाफ दहेज के लिए जाते तो उनको दहेज मतलब नहीं देना चाहिए। और आपको पता है अभी हमारे जम्मू में भी कितनी बेटियाँ गई है इससे, मतलब उनके लॉस ने कितना उनको दुखी किया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे नहीं करना चाहिए। और हमारा तो हमारी मूवी पूरी इस पर सोशल मैसेज पर है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब हमारी मूवी को ज़रूर देखना और अपना अपना ज़रूर प्यार देना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप सब जम्मू वाले ही हमारी मूवी को प्यार दोगे। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। तो एक अच्छा सा मैसेज लेकर जो है वो ख्वाहिश गुप्ता एक मूवी के माध्यम से जो है वो आ रही है, और जल्द ही ये मूवी जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, ताकि इस दहेज प्रथा के खिलाफ सब जो है वो एकजुट हो जाएँ, ना दहेज मांगे और ना दहेज।